आगामी विधानसभा चुनाव के निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की 230 सीटों में एक ही चरण में चुनाव संपन्न होगा। वहीं 21 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 30 अक्टूबर को नामांकन के आखिरी दिन है। 31 अक्टूबर को नामांकन पत्र की जांच होगी और 2 नवंबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। वहीं 17 नवंबर को मतदान होगा, 3 दिसंबर को मतगणना। मध्य प्रदेश के साथ ही अलग अलग तिथियों में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में भी चुनाव संपन्न होंगे। से मध्य प्रदेश में निर्वाचन विधानसभा निर्वाचन हेतु जो चुनाव की घोषणा है वो निर्वाचन आयोग द्वारा कर दी गई है और इसी की घोषणा के साथ में जो आचार संहिता है वो प्रभावी हो गई है। अगर मैं रीवा जिले की बात करूं तो अपने यहाँ सभी रीवा और मऊवंश दोनों जिलों की 8 विधानसभाओं का जो निर्वाचन है उसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा में ही रहेंगे और अपनी 8 विधानसभाओं का जो निर्वाचन का शेड्यूल है वो मध्य प्रदेश के लिए जो निर्वाचन का शेड्यूल निर्वाचन आयोग ने जारी किया है वो उसी प्रकार से रहेगा। तो इसमें चूंकि आज से जो आचार संहिता प्रभावी हुई है उसके बाद में गजट नोटिफिकेशन की जो तारीख है वो 21 अक्टूबर की रखी गई है। नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर की है। स्क्रूटनी के लिए जो तारीख फाइनल की गई है वो 31 अक्टूबर की है और जो नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख है वो 2 नवंबर की रहेगी।